हनुमानगढ़ टाउन के थानाधिकारी श्री विष्णुदत्त विश्नोई, जिन्होंने सही मायने में एक रक्षक के रूप में जनमानस में अपनी छवि बनाई थी, आज उनके बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं। 1976 में रायसिंह नगर के एक छोटे से गांव लूनेवाला के एक मध्यम खेती की पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मे विष्णु अपने चाचा श्री सुभाष विश्नोई की प्रेरणा से पुलिस अधिकारी बने। विष्णु पुराने विचारकों और दार्शनिकों को पढ़ने में रुचि रखते थे और उनसे प्रेरणा भी लेते थे। खाने पीने में विशेष परहेज रखने वाले और हर रोज योग से अपने आप को तंदुरुस्त रखने वाले श्री विष्णु अपनी बेहतरीन कार्यशैली से पब्लिक के पसंदीदा पुलिस अफसर बन गए। 1997 में जयपुर में पहली पोस्टिंग के साथ पुलिस में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ के थानों का कायाकल्प कर देते थे। हनुमानगढ़ टाउन थाना में भी जन सहयोग से करीब 20 लाख की लागत से उन्होंने थाना बनवाया था। बीकानेर के शेरुना में तो मात्र 3 महीने के कार्यकाल में टेंट में चल रहे थाने को 3 कमरे, ऑफिस और बाथरूम जन सहयोग से बनवा दिया था। नशाखोरी, सट्टेबाजी और गुंडागर्दी को काबू करना इनकी पहली प्राथमिकता रहती थी। ये बदलाव की शुरुआत घर से ही करते हैं, यानी थाने में नियुक्त अन्य पुलिसकर्मियों को पहले ही दिन अपनी कार्यशैली से अवगत करवा देते थे। शिकायतों के लिए तत्पर समाधान ढूंढने की कोशिश रहती थी। पीड़ितों को खुद सुने और न्याय दिलवाएं, ऐसा वो प्रयास करते थे। डूंगरगढ़ में सर्वाधिक समय लगभग 2.5 साल तक इन्होंने कार्यकाल के दौरान बहुत से सामाजिक हित के कार्य अपनी पहल से किए। जैसे कि इन्होंने एक पुलिस फ्रेंड क्लब की स्थापना की, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी पुलिस से जुड़कर शहर में अपराधों की सूचना साझी करने और उन्हें रोकने में मदद करते थे। पुलिस में अपना करियर बनाना चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए क्लासेस भी लगाई जाती थी। स्थानीय व्यापारियों और नगर पालिका के सहयोग से शहर को पॉलिथिन मुक्त करने और हेलमेट का उपयोग बढ़ाने में सराहनीय कार्य किया। इन्होंने डूंगरगढ़ और छापर में सीसीटीवी कैमरा पूरे कस्बे में लगवा दिया। पुलिस फॉर यू कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को थाना विजिट करवाकर खुद स्कूल विजिट कर बच्चों में पुलिस की सकारात्मक छवि बनाई।